हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता आपका स्वागत करती हूँ कविता जिंदौरी जायका में। आज मैं बना रही हूँ हाइड एंड सीक बिस्किट। ये बड़े बच्चों हम सभी को पसंद होते हैं। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक कटोरी मैदा, आधी कटोरी पिसी हुई शक्कर, ये मैंने घर की पिसी हुई शक्कर यूज़ की है, दूध 4 से 5 चम्मच, चोको चिप्स 2 चम्मच, 1 चम्मच कोको पाउडर, 1 चम्मच बटर लेंगे, बेकिंग पाउडर लिया है 1 छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। बटर को मैंने मेल्ट कर लिया है। बटर के अंदर पिसी हुई शक्कर डाल लेते हैं, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालते हैं, इन्हें मिक्स कर लेते हैं। में 3 से 4 चम्मच दूध डालेंगे, इसे मिक्स करते हैं। इसमें मैदा डालकर इसका डो तैयार कर लेते हैं हाथों की सहायता से। हमें इसमें और दूध डालने की जरूरत नहीं पड़ी है। कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देते हैं। इस बार मैं नॉन स्टिक कढ़ाई में नहीं बना रही हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में मुझसे लोगों ने पूछा है कि हमारे पास नॉन स्टिक कढ़ाई ना हो तो हम किस में बनाएं। तो आपके घर में जो भी कढ़ाई हो उसमें बना सकते हैं बिस्किट। डो को हम 2 भागों में बांट लेते हैं और इसका एक लोया तैयार कर इसे बटर पेपर पर रखेंगे। आप पॉलीथीन पर भी बना सकते हैं। अब हम इसे दूसरा हिस्सा ढककर बेल लेते हैं। हाइड एंड सीक बिस्किट जितना पतला होता है उतना ही पतला हमें इसे बेलना है। अब हम इसे चाकू की सहायता से काट लेते हैं। इसे चौकोर शेप में काटेंगे। अब चाकू के पीछे के हिस्से से हम इसमें निशान लगाएंगे इस तरह से, जैसे हाइड एंड सीक बिस्किट में होते हैं। देखिए, हमने इन पर निशान बना लिए हैं। अब इनके ऊपर से चोको चिप्स लगाएंगे। ये चोको चिप्स लगा दिए। अब अगले बच्चे हुए बिस्किट भी हम इसी तरह से बनाएंगे। एक प्लेट में बटर को ग्रीस कर लेते हैं। मैं यहाँ पर प्लेट में बना रही हूँ। बिस्किट को प्लेट में रख लेते हैं। कढ़ाई में इस तरह का स्टैंड रखेंगे और बिस्किट वाली प्लेट रख देते हैं। ऊपर से थाली ढक देते हैं। इसे हम ढककर लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट तक बेक करेंगे। बिस्किट बनकर तैयार हैं। बिस्किट बहुत ही क्रंची और टेस्टी बने हैं। ये बच्चों को जरूर पसंद आएंगे। आप इन्हें एक बार ट्राई कीजिए। आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और भी इस तरह की रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।